खुदा और मोहब्बत ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे सिकंदर की वालदा बड़ी ही खुशी के साथ माही से कहती हैं कि हम नहीं जानते थे कि साईं सरकार का मिजावल तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी बात का यकीन रखो माही, अब तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब माही की खुशी की इंतहा नहीं होती, वो यही सोचती है कि अब वो फरहाद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी, लेकिन इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने ही लगती है तो नाजिम शाह माही का रास्ता रोक कर कहता है कि माही फरहाद से मिलने के लिए नहीं जाएगी और ये मैं किसी सूरत पर कबूल नहीं कर सकता कि हमारे खानदान की कोई औरत इतना बड़ा कदम उठाए। तब माही की वालदा कहती हैं कि नाजम बेटा तुझे हो क्या गया है, क्यों तू अपनी बहन की खुशियों को खत्म करना चाहता है, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं कि तेरी वजह से माही ने किस किस्म की तकलीफों का सामना किया। माही आज ही फरहाद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तब माही भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं नाजम शाह हकीकत में उसकी जान ना ले ले। माही अगर तुमने एक कदम भी इस हवेली से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मेरे गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो।